अचानक से आकर वन विभाग ने मुंब्रा बाईपास से सटे पहाड़ों की दरगाहों पर जाने वाली सीढ़ियां तोड़ी। विरोध करने आए लोगों को दंगा नियंत्रण पुलिस लगाकर रोका। सीनियर पीआई कोलट करने दी लाठी चार्ज की चेतावनी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ माह पहले मुंब्रा कौसा के मुसलमानों के इस्लामिक जो धार्मिक स्थल है, खास करके पहाड़ों पर बनी हुई दरगाह और कुछ बाईपास पर बस्ती गई आबादियों में बनी हुई मस्जिद है, इन सबका मुद्दा थाने के मंच से जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव ने उठाया था, पत्र व्यवहार किया था। हाल ही में बीच में उन्होंने वन विभाग द्वारा उनको कुछ जानकारी देने का फेसबुक लाइव किया। अब उसके बाद 8 नवंबर बुधवार को सुबह वन विभाग मुंब्रा पुलिस के साथ यहां पर बड़े बंदोबस्त के साथ पहुंचता है और दरगाहों पर जाने वाली, जहां ऊपर जंगी शाह बाबा की दरगाह है, रईस शाह बाबा की दरगाह है और उसके ऊपर पहलवान शाह दूल्हा बाबा की जो दरगाह है, इन दरगाहों पर जाने वाली जो रास्ते में सीढ़ियां बनाई गई है, तो इन सीढ़ियों को अचानक तोड़ दिया गया। इस संबंध में ट्रस्टियों को न तो कोई नोटिस दिया गया, न ही उन्हें विश्वास में लेकर के इस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी दी गई, ऐसा ट्रस्टियों का कहना है। वहीं आसपास की आबादी में जैसे ही लोगों को इस कार्रवाई की भनक लगी तो लोग यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने लग गए, लेकिन इनको रोकने के लिए मुंब्रा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलट करने दंगा नियंत्रण यानी रॉइड कंट्रोल पुलिस जो है वो लगाकर रखी थी और बड़े पैमाने पर अन्य पुलिस बल भी यहां मौजूद था। साथ ही सभी लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज की चेतावनी खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलट कर दे रहे थे। कार्रवाई के बाद क्या कहा वन विभाग के अधिकारी ने, बिल्कुल दबंगई करते हुए ये वन विभाग का अधिकारी, जो मैं कहूंगा उतना सुन लो, कोई सवाल मत पूछो, उसका ऐसा रवैया था। तो संविधान के तहत कानून के तहत काम करने वाला एक अधिकारी मीडिया कर्मियों से ऐसी दबंगई कैसे कर सकता है। वहीं कार्रवाई के बाद भी दरगाहों पर जाने वाले लोगों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा था। इस मौके पर रईस बाबा ट्रस्ट और जंगीशा बाबा ट्रस्ट, ये जो है दोनों दरगाहें हैं, इनके ट्रस्टी थे। इनमें से वली खान ने मीडिया से बात की है, अपनी बात रखी है कि ये कार्रवाई किस तरीके से की गई है। निश्चित तौर पर मंजे के अविनाश जाधव द्वारा और उसका समर्थन अन्य कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों ने जो किया था, उसी के चलते ये कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, ये कार्रवाई उसी का संकेत है। सर, आप लोग पहलवान शाह दूल्हे सरकार आए थे, क्या आप जवाब मत पूछिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो मैं बताता हूँ, आप जवाब मतलब प्रश्न मत पूछिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण थोड़ा सा था, वो निष्कासित किया है, बेकायदेशीर था। रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण करना बेकायदेशीर होता है। अतिक्रमण में क्या था, सीढ़ी थी या कुछ बांध काम किया गया था, क्या था? जो भी छोटा सा नया सीढ़ी का बांध काम था वो क्या, ये जो भी कार्रवाई हुआ ना कायदेशीर हुआ है, इसमें आप ये मत पूछिए क्या किया क्या नहीं किया। नोटिस दी गई थी कार्रवाई करने से पहले, रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी अतिक्रमण निकालने के लिए नोटिस का जरूरत नहीं है। जो नया बांधकाम होता है उसके लिए कोई प्रोसीजर एक्चुअली है नहीं, जो कायदेशीर है कायदेशीर है। फॉरेस्ट की जगह पे तो कई सारे अवैध निर्माण होते हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। चलो हो गया, सबसे पहली बात तो ये है, जो भी अभी कामले साहब अधिकारी आए हमारे फॉरेस्ट ऑफिस से, ये सीढ़ी का इनको ये पता नहीं कि ये कितने साल पुरानी है ना। इनको हमने कुछ सवाल किए कि साहब ये दरगाह के बारे में आप क्या जानते हो, इनका इतिहास आपको कुछ पता है, तो इन्होंने कहा मुझे हमारा जो फॉरेस्ट के अंदर सीढ़ी है तो हमने तोड़ा है। मतलब सर ये अभी का नहीं है, और जो सीढ़ी अभी जो इन्होंने तोड़े 10 सीढ़ी बोल के 100 सीढ़ी तोड़ दिए, समझे ना, और नीचे हमको रोका गया, हमने रिक्वेस्ट की हमको जाने नहीं दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 10 बोल के 100 तोड़े, समझे, और बोले नया है ये, जबकि नया नहीं था, इनके पास कोई पुरावा नहीं है। और आपने ये साहब ने जो भी आपको कामले साहब ने जो आपको जानकारी दी, ये इनके इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी इनको पूछा तो इनको नहीं पता है बात क्या कभी का है क्या है, इतिहास ही नहीं जानते ये। अरे इसी तरीके की कार्रवाई अगर होती रहेंगी तो मुंब्रा के अंदर हम क्या समझे इसको, वन साइडेड। पहले तो नोटिस तो मिलना चाहिए ना,
इन्होंने ये कहते हुए नोटिस को टाल दिया कि नोटिस हमको सरकारी जमीन पे देने की आवश्यकता नहीं है। आज फॉरेस्ट के अंदर झाड़ काटे गए भाई, कई हम इनको लैंडमार्क बता रहे, लेकिन ये लोग जैसे बोलते ना इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। इन्होंने अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल करके फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी थे ऐसा कह रहे थे कि नया सीढ़ी कुछ बनाया जा रहा है। ये सब अभी देखो, अभी मुझे कोई चीज की कार्रवाई करना है। अविनाश जाधव जब से आया था, जब से इनका मंशा ये बना हुआ था कि किसी भी तरीके से इधर कुछ तोड़म ताड़ी करी जाए, जब से इनको ये पकड़ नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग हर डिपार्टमेंट में हर पत्र व्यवहार हमने किया है, आज ये बिना बोले, इनको इन्हें समझ में यही था ना कि बिना बोले जाएंगे तो कुछ कर सकते, इन्होंने बिना बोले आकर देखिए इधर बात दादागिरी देख सकते। कार्रवाई होने के बाद भी ये मुंबई पुलिस के अधिकारी कौन है, ये रोक रहे, ये वातावरण ये खराब कर रहे, देख लो चार पुलिस ऑफिसर, देखिए ट्रस्टियों को जाने नहीं दे रहे। अब इसके आगे आप आगे आ सकते हैं, आगे सीनियर ऑफिसर समझा के चले गए, ये अधिकारी दादागिरी कर रहे हैं। अब इसका क्या समझा जाए, मेरी मुख्यमंत्री साहब से, मेरी मुख्यमंत्री कार्रवाई झाली ना, हमने कोऑपरेट किया है, हमने कोऑपरेट किया है। राठौड़ साहब आप ऐसा मत करो, ये जो आप जो कर रहे हो ना, ये कानून को नहीं सुना। नाम इमरान पटाले। इमरान भाई, आज जो यहाँ कार्रवाई की गई है जंगीर शाह बाबा के जो सीढ़ी है उस पर कार्रवाई की गई है वन विभाग की तरफ से, तो क्या पूरा मामला है सर? ये सालों साल से हम लोग की खिदमत चालू है, सालों साल से जो आता है अपने दिल से भाई, पाँच सीढ़ी दस सीढ़ी, पाँच सीढ़ी दस सीढ़ी, ऐसा करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। पानी भी नीचे से लाने गए, आप लोग देख लेना, मटेरियल भी पूरा नीचे है, सब गोनियों पे उठा उठा के, तो गोनी भर के रखी ली, ऐसा उठा उठा के लाने गए। मतलब ये सालों साल से हमारा काम चल रहा था, थोड़ा 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 करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। दो दिन पहले अधिकारी लोग आए, उन्होंने हमको बोला कि भाई ये तुम्हारे को काम कौन करने बोला, तो काम कर दरगाह की एक आस्था है, जिसकी मन्नत जिसकी मुराद जो भी पूरी होती है वो आता अपने हिसाब से। भाई तुम दरगाह वाले या हमारी तरफ से पाँच सीढ़ी बना दो, भाई तुम दरगाह वाले दरगाह पे खिदमत कर दे हमारी तरफ से दस सीढ़ी बना दो, तो ऐसा करते करते ये मौका यहाँ तक पहुँचा था। अब दो दिन पहले आए लोग, दो दिन पहले आके बोले काम बंद कर दो, तो हम लोग ने बोले क्यों सर, तो बोले नहीं ये इनलीगल है, ऐसा है वैसा है, तो हम लोग का तो कोई घर बार बन रहा नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने काम बंद कर दिया, फिर कल आए बैठे हुए थे हम लोग, बोले काम चालू तो नहीं है ना, बोला नहीं सर काम बंद करने, बोले काम बंद कर दिए, हमारे साथ बैठे नाश्ता पानी किए, बस इतना बोले काम बंद रखो, एक आध हफ्ते के बाद मंगता तुम काम चालू कर देना। लगभग कितनी सीढ़ी तोड़ी गई है? 34 चौतीस पैंतीस सीढ़ी तोड़े, अब पुरानी जो बनी थी वो अलग, नोटिस वगैरह दी गई थी, कुछ नहीं कुछ नहीं, चार पांच सीढ़ी करके बनाए हम लोग, मतलब जिनकी मन्नत पूरी होती है सरकार के, वो सिर्फ आपको मटेरियल का पैसा देते हैं, बाकी मटेरियल लाके देते, पैसा हम लोग नहीं देते। अच्छा, मटेरियल का पैसा मतलब वो लाके देते हैं, रेती भूसा सीमेंट लाके देते हैं, आप लोग ये खिदमत अपने पैसा कहीं ना कहीं भरपाई कौन करके देगा? एक मिनट, कहीं ना कहीं लोग ही लाते थे उठा उठा के, नीचे की पूरी रेती की गोली फेंक दी लोग ने उठा उठा के। कहीं ना कहीं जो अविनाश यादव ने लेटर दिया था, पत्र व्यवहार किया था इनलीगल दरगाहों को लेकर, उसको लेकर एक कार्रवाई भी ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे ही लगता है हमको भी, क्योंकि इसका जब वो अविनाश यादव आया था, हमसे पत्र मंगे थे दरगाह ट्रस्टियों से सब, अच्छा 6-7 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, तो हमने फॉरेस्ट वन विभाग में जाके, मुमरा पुलिस स्टेशन में जाके जो हमसे पत्र मंगे थे, हमारा राशन कार्ड, हमारा जो ऊपर का जो फॉरेस्ट से जो रईस बाबा दरगाह है, रईस बाबा ने जो फॉरेस्ट से मतलब ब्रिटिश के टाइम पे जो केस लड़े थे वो केस जीते थे, जो बाबा को मतलब ये क्या बोलते कोर्ट से जो जगह मिली थी, कानून कायदे से जो उनका जो पुरावा था, जैसा वो लाइट का हमने मीटर लगाया उसी पावती, जो भी मांगे। अच्छा, ये सब हम लोगों ने लिया है, बनाई गई थी इमरान भाई जी, कब बनाई गई, मतलब पुरानी है या अभी हाल ही में बनाई गई? सर ये कम से कम 5-7 साल से काम चल रहा है, मैं आपको क्या बोला, जिसकी मुराद होती है, जैसा हमने 5 सीढ़ी बना ली, भाई आ गए, भाई 5 सीढ़ी, मैं 5 आ गया,
आपको कुछ अच्छा लगा कि दरगाह के लिए अच्छा काम हो रहा है तो आपने बोले भाई मैं 5 सीढ़ी का माल गिरा था। धीरे धीरे इसका जो निर्माण हुआ है वो कई सालों में धीरे धीरे हुआ है और इसके पीछे कोई मतलब देखो राजनीतिक ताकत या किसी का 15 साल हो गए नीचे से जो गेट से जो सीढ़ी बनते हुए आ रही है आज से कम से 12 से 15 साल पूरे आज ये काम चालू है। तो सरकार से प्रशासन से क्या मांग करोगे आप लोग जिस तरीके से आज मम्मी बाकी कार्रवाई हुई है प्रशासन से क्या मांग करेंगे। प्रशासन हमारे साथ में आके बैठा नाश्ता पानी किया हमको बोला रुक जाओ हम रुक गए और आके हमारे ऊपर ना खा पी के पीठ में खंजर भोंक दिए वो हाल हो गया हमारा। लेकिन सब लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एक बात आप पब्लिक जो है इकट्ठा हो गई है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये गेट है अपने के ऊपर पहलवान साहब बाबा का बहुत मजार है और जो वहाँ पर काम हो रहा था डायरी का वो तोड़ा जा रहा था उसका विरोध किया गया लगी हुई है। ये वीडियो चालू करो आह्वान कर रहा हूँ यहाँ पे रोड खाली कर दीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को